जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक वीकली रीडिंग बनाने जा रहे हैं फॉर द पाइसिस साइन, यानी कि मीन राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। बात करेंगे पहले आपकी लव लाइफ की, फिर बात करेंगे करियर की, एंड इन द एंड वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग और देखते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ रहा है। पाइसिस पीपल, मुझे ऐसा लगता है कि यू आर लाइक, मे भी हो सकता है आप अपनी ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। यू आर फोकस्ड ऑन योर सेल्फ, यू आर लाइक एन एम्प्रेस मदर, और इफ़ नॉट अ मदर देन मे बी यू आर वर्किंग ऑन योर ग्रोथ, राइट? अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं, एंड द पर्सन यू आर डीलिंग विद मे बी उनको ये पता है दैट यू आर लाइक एन एम्प्रेस, राइट? अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ नए आगे बढ़ना चाहते हैं, लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में। एंड ये जो पर्सन है जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं या जिनके साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है दे आर वेरी स्लो मूविंग एनर्जी, लाइक अ प्लेयर इन एंड आउट ऑफ योर लाइफ। दे आर नॉट स्टेबल एट ऑल, और मे भी हो सकता है उनकी लाइफ में हो सकता है फाइनेंसिस को लेके इशूज़ हो, किसी भी चीज़ को लेके इशूज़ हो, बट आप अपनी लाइफ में फोकस्ड हैं अपनी स्टेबिलिटी पे। मुझे ऐसा लगता है कि आप गिव अप करने के लिए रेडी नहीं हैं बिकॉज यू वॉन्ट टू अचीव समथिंग, और कुछ कम आपको नहीं चलेगा, राइट? तो मुझे ऐसा लग रहा है। और आप लोगों का जो रिलेशनशिप है दैट इज़ ऑन द क्रॉस रोड्स, मैं कहूँगी। यू वॉन्ट पीसफुल सिचुएशन, आप चाहते हैं कि एक पीस आए आपकी लाइफ में और सिचुएशन सॉर्ट आउट हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है इस चीज़ की वजह से लाइक जो सोल्यूशन फाइंड करने में आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो क्रॉस रोड्स पे आया हुआ है। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। येस, यू आर मैनिफेस्टिंग, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्टिल अनडिसाइडेड इस पर्सन को लेके। ऑल दो यू आर ट्राइंग टू क्रिएट बैलेंस, आप इस पर्सन के साथ बैलेंस लाने की कोशिश करते हैं मुझे ऐसा लगता है, और स्टिल लाइक आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, अ चेंज, और मनी पे भी फोकस्ड है। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, लेकिन इस पर्सन को लेके मुझे ऐसा लगता है स्टिल अनडिसाइडेड, ये हफ्ता मुझे ऐसे ही दिखाई दे रहा है। चलिए अब बात करते हैं आपके करियर की। फॉर ऑल द पाइसिस पीपल, करियर वाइज आप लोगों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? मैनिफेस्टिंग, ओके। करियर वाइज देखिए सेम कार्ड्स, स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि येस यू आर अचीविंग, राइट? और हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं, सो बी रेडी फॉर डिवाइन हेल्प। अपनी मुझे मैनिफेस्ट कर रहे हैं फॉर ऑल द पाइसिस पीपल, मुझे ऐसा लग रहा है प्रे कर रहे हैं, राइट? कुछ लोग हो सकता है सिंक्रोनिसिटी देखते हो, कुछ लोग जनरलिंग करते हो, वॉट एवर यू आर डूइंग, आप कोई पोजिशन है जो अचीव करना चाहते हैं, तो स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है इस हफ्ते, एंड मे बी हो सकता है बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। सो बी थोड़ा सा आपको केयर फ्री होने की ज़रूरत है। अगेन हियर वी हैव लाइक यहाँ पे भी पेंटिकल्स हैं, यहाँ पे भी, तो यू आर वर्किंग ऑन योर स्टेबिलिटी, और धीरे धीरे, जैसे कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर आपकी लाइक कोई, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि इस हफ्ते आप कुछ अचीव करें, या हो सकता है कि कुछ लाइक आपकी कोई पोजिशन या कोई कुछ इन्हांस हो, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट इंक्रीमेंट पे रेस, तो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है ओवरऑल, या इट्स अबाउट मे बी हो सकता है आप इस चीज़ का वेट कर रहे थे और ये चीज़ होल्ड पे थी। कुछ के लिए हो सकता है कि आप विद अ कप, मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट सर्टन पोजिशन, राइट? ये भी चीज़ हो सकती है। कप ऑल्सो रिप्रेजेंट्स, मुझे ऐसा लगता है कि आप कहते हैं ना कि आपको आपके काम के लिए सराहा जा रहा है, तो वो चीज़ भी हो सकती है। लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस, क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द पाइसिस पीपल? ओके पाइसिस पीपल, दो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। यू शुड इन्जॉय योर लाइफ, मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट आप अपनी लाइफ में कोई चीज़ है जो पोस्टपोन कर रहे हैं, या मे बी कभी कभी बहुत ज़्यादा लाइक उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, सो यू शुड नॉट डू दैट। मुझे ऐसा लगता है विद द फोर ऑफ कप्स, लाइक स्टार्ट
लाइक लुकिंग लाइफ इन अ ब्राइटर वे, राइट? बिकॉज इट्स अबाउट कि इट्स अबाउट आपकी सोच से भी ज़्यादा अच्छा आपको मिल सकता है. तो आप उदास क्यों होते हैं, आप परेशान क्यों होते हैं? फ्लावरिंग, इट्स अबाउट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, राइट? सो इस जोन में से बाहर आ जाइए. जो आपको डिवाइन, जो आपको जो भी, जिनको भी आप मानते हैं, जो आपको ऑफर कर रहे हैं, तो उस तरीके से देखना सीखिए. आप अपने आप को देखिए, यू आर इन लाइक अ ब्लैक एंड वाइट स्टिल. देखिए क्लोथ देखिए अपने, और अपना फेस देखिए और बाहर देखिए. तो इट्स अबाउट, देखिए रेनबो कलर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, बट वाई आर यू अनहैप्पी? तो लाइफ को एंजॉय करना सीख जाइए, और जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं उनको ग्रैब करना सीख जाइए. हो सकता है आपकी सोच से भी ज़्यादा अच्छा कुछ हो. न्यू पॉसिबिलिटीज़, राइट? टू ऑफ वॉन्ट्स, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, तो उनको ग्रैब करना सीखिए. देन वी हैव फ्लावरिंग, इट्स अबाउट, मेरे लिए तो ये लक्ष्मी माता का कार्ड है, ठीक है? तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, राइट? धीरे धीरे तसल्ली रखिए, पेशेंस रखिए, और हार्डवर्क करते जाइए, राइट? सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर ऑल यू पीपल. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो. मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर, बाय. अपना ख्याल रखिए.